गाड़ी निकालो। मेरी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता मिला है, कल उसकी शादी करवाने के लिए, बाकी बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए, उसके बाद हमारी आगे की जिंदगी के लिए जो कुछ है बस यही है हमारे पास। आप इतना कम दाम देंगे तो हम इसे नहीं बेच पाएंगे। मास्टर जी, आपकी हालत मुझे अच्छी तरह पता है, इसीलिए मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर चला आया, और आप तो एक ही बात पर अड़े हुए हैं, सोच कर बताइए ना। अब इसमें सोचने वाली क्या बात है, जो मैंने बोला उसमें खरीदिए, नहीं तो फिर आप चाहिए क्या। मास्टर जी, मैं तो आपको पंचामृत खिलाना चाहता था और आप दाल चावल पर ही अटके हुए हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आपकी मर्जी। चलता चलता हूँ बहन जी। हाँ, ये तो अन्याय है। क्या हुआ बेटा? अभी खोने के लिए बचा ही क्या, मेरे सारे सपने मिट्टी में मिल गए। अरे क्या हुआ है बता तो सही। अपनी जगह शमशान भूमि है, उसमें से हड्डियां निकल रही हैं, ऐसा अखबार में लिखा है। उस कमीने ने क्या कर दिया ये, अब इस जगह को कौन खरीदेगा, हमारी जिंदगी कैसे गुजरेगी। हे भगवान, ये क्या हुआ, अब इससे शादी कौन करेगा। उस परंदा भैया के जैसे जमीन बेचने की जरूरत मुझे बिल्कुल नहीं है, उस जगह पर मैं अपना घर बनाऊंगा। आप कह तो सही रहे, लेकिन आप जिस रेट में बेचना चाहते हैं उसके लिए हजार बार सोच रहे होंगे। आपको जो भी चाहिए मांग लीजिए, मैं दूंगा आपको। मैं बेचने वाला हूँ ये मैंने कब कहा? अरे आप मेरी बात समझ नहीं रहे। मेरी जगह पे तुम चाहे शमशान भूमि बना दो या किसी सांप का टीला बना दो, मैं उस जगह पर अपना घर बनाऊंगा। अभी आप जा सकते हैं। ये आप क्या कर रहे हैं, घर आई हुई लक्ष्मी को ठुकरा रहे हैं। बदनसीबी है आपकी, मैं क्या कर सकता हूँ, ऊपर वाला ही फैसला करे। ठीक है चलता हूँ। पिताजी, पिताजी, हमारी जमीन में हनुमान जी की मूर्ति प्रकट हुई है, बहुत भीड़ जमा हो गई है, सब कह रहे हैं कि वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर बनाएंगे, आप जल्दी चलिए। इसी वक्त खाता खोलना और बैंक से अभी ही लोन लेना, ये मेरे लिए जरूरी है क्या? अरे आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, इस रियल एस्टेट बिजनेस में हमेशा के लिए रहोगे क्या? आपको बढ़ना है और आगे बढ़ना है, आपको बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है। तेरा सत्यानाश हो जाएगा, तू सड़ सड़ के मरेगा, बेगुनाह लोगों का श्राप लगकर तू पल पल मरेगा, तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे, तू जिंदा नहीं बचेगा, तेरा सत्यानाश होगा, तेरा पूरा खानदान जलकर मर जाएगा, तेरा कभी भला नहीं होगा। मैं श्राप देती हूँ, तेरा कभी भला नहीं होगा, कभी भला नहीं होगा, तू सड़ सड़ कर मरेगा। Excuse me. Yes. अंकल रेडी से मिलना था। अपॉइंटमेंट है क्या? अपॉइंटमेंट? मेरा नाम जगदीश है। ओह। मनी कोड नाम है, मेरी जगह के बारे में बात करनी थी। इसके लिए अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, आप बॉस के चैम्बर में बैठिए, वो आते होंगे। हाँ। सर। डरिए मत जगदीश जी, बैठिए बैठिए। आप टेंशन में क्यों हैं? यू आर माई गेस्ट, आप हमारे गेस्ट हैं। हाँ बताइए क्या लेंगे, चाय या कॉफी? सर मुझे एक बार बता दिए होते तो मैं आपके दाम के हिसाब से आपके नाम पर रजिस्ट्रेशन करवा देता। 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है सर, 50 लाख तो दिलवा दीजिए सर, प्लीज सर, आपको पुण्य मिलेगा, मैं बहुत मुसीबत में हूँ सर, प्लीज। अरे सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, ये सब कहना आपको शोभा देता है क्या? जगह आपकी है, आपकी मर्जी, आप किसी को भी बेचे। छे छे, देखिए वो जगह मुझे अच्छी लगी ये सच है, आज नहीं तो कल वो जगह मेरी ही होगी, यही सोचकर मैंने अपना नाम वहां पर लिखवाया है। आप कहें तो नाम हटा लेता हूँ रजिस्ट्रेशन होने तक। ये लीजिए 50 लाख रुपए एडवांस, बाकी का रजिस्ट्रेशन के साथ। देखा सर कितने महान हैं, 50 लाख रुपए तुम्हें टिप समझ कर दे दिया, ही इज अ ग्रेट पर्सन। जाइए, नमस्ते। नमस्ते सर।
हाँ हाँ नमस्कार। नमस्ते नमस्ते सर, उसने 50 लाख मांगे थे, आपने 1 करोड़ क्यों दे दिया? जिसके दांत तोड़ देता हूँ उसी के हाथों में खाने के लिए फल दे देता हूँ। हाँ। ये धंधे का उसूल है, तू नहीं समझेगा। जा संजना को बुला। संजना सर बुला रहे। 1 करोड़। यस सर। हाँ देखो, ये बाढ़ पीड़ितों के घर बनवाने के कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स हैं। किसी भी सूरत में ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलना ही चाहिए। ओके। इस बात का ध्यान ओके सर। ओके। अरे ये लंगड़ा कहाँ मर गया? चिल्लाइए मत, वो नहीं आएगा। क्यों? मैंने उसे निकाल दिया। पर क्यों? अभी 1 साल भी हाँ? नहीं हुआ और तनख्वाह बढ़ाने की बात, वो भी 10-20 नहीं, पूरे 500 रुपए बढ़ाने की बात कर रहा था। अरे रिजर्व बैंक मेरे बाप का है क्या? हाँ देखिए ना, जब चाहे जितना मांग लेता है। इन लोगों को मेहनत करना पड़े तो पता चले पैसे की कीमत क्या है। क्या हुआ? हाँ ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। ओ ड्राइवर साहब, इधर आओ, जल्दी आओ, आओ जल्दी जल्दी। कहाँ जा रहा है? नहीं सर, आता हूँ सर। ये वापस चला गया। फिर से जा रहा है। मालिक मालिक मालिक, मेरी बात सुनिए मालिक, रुकिए 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 मालिक, रुकिए, अरे रुकिए, रास्ता छोड़ना, मेरी बात सुनिए। सुबह आ जाता है, दिन खराब। मालिक रुक जाइए, मालिक 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 मेरी बात सुनिए, मालिक रुक जाइए, मालिक रुक जाइए, मालिक। आइए सर, कोल्ड स्टोरेज पूरा जल चुका है, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं सर। नमस्ते सर। बैठिए सर। सर बैठिए। शॉर्ट सर्किट हुआ था सर। ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो? जल्दी से इंश्योरेंस का पेपर निकालो। सर काम बहुत ज्यादा था, रिन्यूअल करवाना मैं भूल गया। टाइम पर खाना खाना तो नहीं भूलते थे? थोड़ी देर में काम करवा दूंगा सर। अभी यहाँ का सारा नुकसान तेरा बाप भरेगा क्या? आज रिन्यूअल करके कल जला दोगे तो ठीक है क्या? अरे ये नया रंग रूट कौन है? ये अपने एरिया के नए SP हैं सर। पुलिस वाले हैं क्या? अरे तो पहले बताना चाहिए था ना, मतलब आप भी हमारे ही लाइन के आदमी हैं। जरा ऑफिस में आकर मिलिए ना। मेरे आपके ऑफिस में आने से पहले यहाँ कोई प्रेस वाला नहीं आना चाहिए, ऐसा संभालना है ना। मतलब मेरा तो स्पॉट डिसीजन और स्पॉट पेमेंट है, हाथ में पैसा, बाकी का तो आपको पता ही है। हाँ मैं सब समझ गया, जरा तुम संभाल लेना। ठीक है सर। कुछ नहीं ऐसा ही साहब, चार लोगों के बीच बात करना ठीक नहीं रहेगा। आप ऑफिस में आइए, वहीं बैठकर बात करेंगे। अरे 2-4, 10-20 आगे पीछे होगा, चलेगा सर। ओके। आपसे मिलने के लिए बहुत दिनों से सोच रहा था सर, ऐसे मिलूंगा ये नहीं पता था। यहाँ ट्रांसफर होकर नया आया हूँ, यहाँ आने के बाद बड़े बड़े लोगों की कुंडली निकाली है। वैसे आपकी कुंडली भी बहुत महान है, कब्जा वब्जा करते हैं ना आप। वैसे हमारा भी साइड बिजनेस होना चाहिए था ना सर। चलता हूँ।
क्या कर रहे हैं साहब, अभी तक नहीं आए। बैठने के लिए कुर्सी लाऊं क्या सर? प्यून हो क्या? जी सर। कोई जरूरत नहीं, जाओ। ओके ठीक है। फिलहाल तो इतना ही है। सर आपको प्यार हो गया था क्या? हाँ, तुझे कैसे पता? मुझे भी जब प्यार हुआ था तब मैं भी जोश और मजे में था सर। पता चला ना, मैं अब यहीं रुकता हूँ, तू निकल। ऐसा है सर, पहले वो लोग वेट करते हैं, बाद में हम लोग को वेट करना पड़ता है। ये ले सर। अरे मुझे एक डाउट है, ऐसा ही तू है या मैं? आप भी हो सर। तो थोड़ा रिस्पेक्ट देना सीखो, चलो निकलो। थैंक यू सर। बापरे, ये यहाँ शराब पी रहा है पब्लिक प्लेस में। ऑटो। अरे ये कहाँ भाग रही है? जल्दी चलो, फास्ट फास्ट फास्ट। हाय दीदी, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? हाँ हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ दीदी। कल तुमने पूरा दिन मुझे फोन नहीं किया, क्यों दीदी? मेरी बात सुन। सुन रही हूँ। पता है आज क्या हुआ? एक एसआई मेरे ऑफिस में आया था, उसने मुझे देखा और तब से अपनी ड्यूटी छोड़कर मेरा पीछा कर रहा है वो। ओ, वांटेड मूवी के जैसा? उसमें भी ऐसा ही है। वो महेश पुलिस वाला हीरोइन को टॉर्चर करता रहता है, उसे बहुत सताता है। मैं यहाँ इतने टेंशन में मर रही हूँ और तू मेरी टेंशन और बढ़ा रही है। तो तुम क्या करोगी दीदी? ज्यादा तंग करेगा तो मर्डर कर दूंगी। ओहो, पहले मेरा काम करो। हाँ वो हो जाएगा, चलो फोन रख। ये यहाँ तक आ गया। हाय। हीरोइन को भी ऐसे ही टॉर्चर करता था, केस भी बनाएगा बोला था। पुलिस कुछ भी करे उस पर कोई केस नहीं बनता। इससे पूरी दुनिया में कोई और लड़की नहीं मिलेगी जो मेरे पीछे पड़ा है। वो अभी भी यही होगा या चला गया होगा, एक बार देखती हूँ। हाय। बाप रे, ये तो अब तक यहीं पर है।
हाँ बोलो दीदी। तूने जैसा बोला था ना उतना बुरा नहीं लग रहा। वो सुबह सुबह एक बुके के साथ गुड मॉर्निंग का मैसेज रख के गया है। इतनी जल्दी उस पर भरोसा मत करो, अभी वो एक्टिंग करके तुम पर हाथ डालने की कोशिश करेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तू तो सब पर डाउट करती है, चल बाय। सुनो, उस पुलिसिया लड़के से थोड़ा सावधान रहना, कंधे पर बिठाने से सूसू ही नहीं बहुत कुछ कर देगा। ठीक है सर, उसकी वजह से मुझे सुनना पड़ रहा है। सारी डिटेल मिल गई ना आपको? क्यों, वैसा ही तुम्हारे घर गया था क्या? एड्रेस मांगा था, मैंने ही दिया था उसे। आपने उसे मेरा एड्रेस दे दिया? अरे तो क्या करता, नहीं देता तो मेरे घर आकर मुझे परेशान करता। वो एक नंबर का क्रैक लगता है मुझे वो ऐसा ही, इसीलिए दे दिया उसे। नाम लेते ही शैतान हाजिर, 100 साल जिएंगे आप। थोड़ा ज्यादा ही हो गया, कुछ और कहना है तो बता दो। ठीक है, अंदर क्यों छुपाई हो बोलो। ये तो जवाब ही नहीं देती। नमस्ते सर। आओ आओ। सर आपके लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट लाया हूँ, खाली मैदान है, कली स्टूडियो के बाजू में ही है, आमिर पेट, खाली पड़ा है, बोर्ड लगा दूं, हार्ट केक। यहाँ तो मेट्रो आ रही है। अरे रे, ये तो मेट्रो वाला ही है। ठीक है, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये देखो अल्टरनेट वाला है, ये देख रहे हो 25 एकड़ का है, खाली पड़ा है, कोई नहीं है, लोगे क्या? इसे कैसे ले सकते हैं, ये तो मिलिट्री वालों की है, फेंसिंग टच करते ही गोली चलाकर मार देंगे। ओह तो फिर रहने दो, अपने को रिस्क लेना जरूरी नहीं है। ये जगह कैसा रहेगा? ये सिनेमा वालों और टीवी वालों का है, मीडिया वालों से पंगा मत लेना, मामूली लोग नहीं होते वो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, उनकी तरफ उंगली उठाया ना तो पंजे का निशान गाल पर अच्छी तरह से बनाएंगे। ब्रेकिंग न्यूज़। और रोलिंग में कई दिनों तक दिखाएंगे। तो रहने दो, अभी इसका क्या करूं? तुम कमीशन के लालच में जो जगह खाली दिख रही है उसे लेकर आ रहे हो, क्या करना है ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ठीक है। हाय। थाना छोड़कर आजकल ये यहाँ पर क्या कर रहा है? हेलो। सर कुर्सी लाऊं क्या? हाय। हाँ लेकर आ। सुनाई नहीं दे रहा क्या, नाटक कर रहे हो? जा लेकर आ, जल्दी लेकर आ। लाता हूँ। सर कुर्सी यहाँ रख, जाए कॉफी लेकर आ। लेकर आ जी। मेरे लिए तुम्हारा ओपिनियन क्या है? दबंग का आइडिया है, सलमान खान, सोनाक्षी सिन्हा। आई हेट यू। बस इतना ही? हाँ इतना ही। हे इधर आ। सर कुर्सी लगाऊं क्या? कॉमेडी कर रहा है क्या? अबे यहाँ मेरा रिवॉल्वर छूट गया है, देखा है क्या? क्या रिवॉल्वर मिस हो गया है? चुप। तूने देखा है क्या? देखा है तो मुझे बता। माँ कसम सर मुझे कुछ नहीं पता सर, मैंने देखा भी नहीं। अरे मैंने यहीं पर रखा था यार। हेलो। हाँ मैंने यहाँ अपना रिवॉल्वर रखा था, देखा क्या? ऐसा ऐसा क्या ढूंढ रहे हैं आप? क्यों भाई तू भी साथ में ढूंढ रहा है क्या? मैं यहाँ कुछ खाने का चीज भूल गया हूँ। क्या? इनका रिवॉल्वर वा मिस हो गया है अपने ऑफिस में बुलेट के साथ। रिवॉल्वर? रिवॉल्वर बुलेट के साथ? हाँ आपका रिवॉल्वर बुलेट के साथ मिस हो गया, लेकिन सर आपने उसे बाहर निकाला है क्यों सर? तो फिर गायब कैसे हुआ? सब तो अपनी जगह पर बैठे हैं, लेकिन आप 2 और 3 बार अंदर बाहर गए थे ऑफिस से। ढूंढो 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 ढूंढो, जाओ जाओ। रिवॉल्वर खोया है, सर्विस रिवॉल्वर। तुमने मेरा रिवॉल्वर गायब किया है। सर सर मिला? सर अगर रिवॉल्वर नहीं मिला तो क्या आपकी नौकरी चली जाएगी? अबे नौकरी छोड़, डिपार्टमेंट में मेरी इज्जत क्या रह जाएगी? हमें तो लग रहा है आपका नौकरी भी जाएगा और सड़क में भीख मांगेंगे लोटा लेके। तो मनहूस आदमी।
जा जाके ढूंढ के ला। जाता हूँ। ओके। अच्छा? या श्योर कल मिलते हैं। ओके बाय। अरे मैंने नहीं तोड़ा है, एक चोर था, प्रॉमिस। एक्चुअली मुझे इस तरफ थोड़ा सा काम था, तुम्हें हाय कहना था, तुम तो घर पर नहीं थी, चोर मुझे देखकर भाग गया। अब वो तो भाग गया लेकिन उसने मेन डोर खुला छोड़ दिया, अब कोई और अंदर ना आ जाए ये सोच के मैं ही अंदर आ गया और खाना भी बना दिया, फिर तुम्हारा इंतजार करने लगा। क्या कहती हो, खाना खा ले? मैं खा लूंगी, पहले तुम यहाँ से जाओ। हाँ अच्छा ओके। प्लीज मेरा रिवॉल्वर मुझे दे दो प्लीज। ओह थैंक यू। अच्छा मैंने सुना है कि तुम्हें बैंगन का करी बहुत पसंद है ना, वही बनाया है, वो तुम्हारे लिए, ये मेरे लिए। थैंक्स सर। चाय। थैंक यू मैडम। चाय। थैंक यू सीनू। मैडम 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 कांग्रेचुलेशन मैडम, पार्टी कब दे रही हैं? पार्टी? हाँ वो क्यों? अरे आपका शादी तय हुआ है तो पार्टी तो देंगी ना। शादी किसकी है, पार्टी किसकी? ये का मैडम, सब जगह कार्ड्स बट चुके हैं। कौन से कार्ड्स? ओ आपने अभी तक देखा नहीं का? रुकिए हम दिखाते हैं, रुकिए। इधर कार्ड कहाँ गया रे? कार्ड दिखाते हैं यहाँ पर। आइडिया तो सुपर था, इतने शॉर्ट पीरियड में उसने तुम्हें पटा लिया तो मानने वाली बात है। कुछ भी कहो, कार्ड बहुत अच्छा है। सुनीता मैडम जरा पीछे आएंगे आप, काहे को दुल्हन को परेशान कर रही हैं? हाँ ये आपका कार्ड, अच्छा लगा ना मैडम? अब कहिए पार्टी तो बनती है ना। क्या देख रही हो, कार्ड तो दिया है लेकिन इस पर डेट नहीं लिखी, पोस्टर के जैसे कमिंग सून लिखा है। यार बस करना, किसी को कोई काम ही नहीं है। हेलो, क्या है माँ, जल्दी फोन भी नहीं उठाती हैं, इतनी बिजी हैं क्या? इतनी गुस्से में क्यों हो, आराम से बात करो ना। तुम्हें कीटियर के बारे में बताना है। किसकी? आरपी के बारे में। आरपी? या आरपी के बारे में तुम्हें कैसे पता माँ? मुझे ही नहीं, पिताजी को भी पता है। क्या ये बात पापा तक पहुँच गई? हाँ उसने ही फोन किया था, मुझे लगता है लड़का बहुत अच्छा है। मुझे दो, लीजिए बात कीजिए। बेटे संजना। हाँ पापा। मैंने उस लड़के से बात की है, मुझे वो लड़का अच्छा लगा। क्या पापा आप भी? वैसे भी तेरी शादी करवाने वाले थे ना, अब लड़का ढूंढने की क्या जरूरत है, वो लड़का बहुत ही अच्छा है। अरे अरे मुझे फोन दीजिए ना। हाँ संजू तुम्हारे लिए वो सही है। अच्छा ठीक है मैं रखती हूँ। क्या देख रहे हो आप लोग, हमारे सर का लव देख रहे हो? FIR क्लोज। संजू थैंक्स। इट्स ओके। अच्छा एक बात बताओ, उस दिन चोर क्या सच में घर आया था? मैं सच बोलूं या झूठ बोलूं? सच बोलो। तुम्हें पटाने के लिए ही आया था। अब एक तो तुम्हें खाना बनाना भी नहीं आता है ना, इसलिए मैंने बनाया था। शादी के पहले तो ये सब कर रहे हो, शादी के बाद भी करोगे ना? बहुत कुछ करूंगा। संजू मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम ऑफिस में नहीं बस स्टॉप पे देखा था और उसी दिन मुझे तुमसे प्यार हो गया, लव एट फर्स्ट साइट, तब से तुम्हारे पीछे पड़ गया। साहब जी कोई आदिवासी मिलने आया है, बहुत देर से खड़ा है साहब, कहता है उसे मंत्र आता है, तंत्र भी आता है, बहुत देर से आपसे मिलने के लिए जिद कर रहा है मालिक। कौन है? अच्छा वो है क्या? दो दिन पहले भी वो मेरी कार को रोक रहा था।
ठीक है, उसे अंदर लेकर आओ। ठीक है। ए भाई, अंदर आ जाओ। कुरु कुरु भद्राद्री नर्मदा सिंबांद्री अर्पणा। अरे बस बस बस, पीछे हो पीछे हो। ठीक है ठीक है, ये सब बाद में करना, पहले ये बताओ काम क्या है। क्या कहूँ मालिक, ये हमारे भगवान की कहने वाली बात है। इस घर में एक महाशक्ति है, उसकी वजह से आपके घर में बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। क्या कहा? सारी जायदाद नहीं, आखिर में आपकी जान जाने का भी खतरा है। ऐसा क्या? हाँ मालिक। क्यों भाई, मैं तुम्हें ऐसा दिखाई दे रहा हूँ जो कान का बहुत ही कच्चा है क्या? मेरी बात मानिए मालिक। ठीक है चलो मान लेता हूँ, मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए देता हूँ तो तुम उस शक्ति को भगा दोगे? इतनी शक्ति मेरे पास नहीं है, जो होने वाला है मैं पहले बता रहा हूँ, सावधान रहिए आप। आज तुम यहाँ पर आए हो, कल कोई दूसरा आकर ऐसे ही डराएगा। देखो फालतू बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अरे ले जाओ इसे, चलो जाओ यहाँ से। चलो 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 चलो, मेरी बात सुनिए, बाहर निकलो, गेट के बाहर। बाहर दोबारा आना मत। मेरी बात सुनिए, दिन भर खाना बनता रहता है और दबा दबा कर खाते रहते हैं, फिर भी गैस बंद करने का ख्याल नहीं रहता। जैसा कि आप जानते हैं कि जमीन पर कब्जा करने वाली बात सरकार के लिए सरदर्द बन चुकी है। रूलिंग पार्टी के कार्यकर्ता अपनी पावर का फायदा उठा करके जमीन हड़प रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार की बहुत बदनामी हो रही है। आगे की खबर के लिए हमारे साथ बने रहिए। सर रेड्डी जी, किसी भी टीवी में देखिए, पेपर में देखिए, आपके कब्जे के बारे में बात हो रही। इस बात पर विपक्ष वाले असेंबली में झगड़ा तो कर ही रहे हैं। इस समाचार के बाद मंत्री का पद रहेगा या जाएगा, इसी टेंशन में है सब। इसलिए कुछ दिनों के लिए खामोश रहने के लिए मंत्री जी ने कहा है। प्लीज सर। सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू इन्फॉर्म यू दिस सर, पर वो बाढ़ पीड़ितों का घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथों से निकल गया। Thank you.
अरे तुम ऐसे दुखी रहोगे तो मैं कैसे खुश रहूंगा? और वो कोई गांधी नहीं है। वो कुछ भी कर सकता है, वो जमीन कब्जा करता है, उसे जो चाहिए अगर वो उसे नहीं मिले तो लोगों को बदनाम करता है, और मैं ये सब नहीं चाहती। आखिर में वो मेरे बॉस हैं, मैं उनकी कंपनी में काम करती हूँ, उनका किसी भी तरह नुकसान हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ऑफ कोर्स, मैंने भी उसका पैसा खाया है, मुझे भी वो फीलिंग है, लेकिन हम दोनों ऐसे दुखी बैठेंगे तो उन्हें सपोर्ट कौन करेगा? सो हिम्मत से रहना है और उसको सपोर्ट करना है। मालिक, मालिक मदद कीजिए, मालिक मालिक मदद कीजिए, मालिक मदद कीजिए, कुछ तो पैसे दीजिए मालिक, मालिक धन्यवाद, मालिक मदद कीजिए, मालिक मालिक। हाँ ए ए, अरे तू कितने दिनों तक ऐसे रहेगा? ये कार, ये चमक ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली, मेरा शाप है तू जल्दी मरेगा। मैं बोल रहा हूँ। हाँ हाँ सर। अब कुछ खास नहीं, आजकल सोने के बाद मुझे बहुत ही बुरे सपने आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अनिष्ट होने वाला है। तुम एक काम करो, किसी तांत्रिक को बुलाओ, कुछ पूजा पाठ करवाओ तो अच्छा रहेगा। तांत्रिक को? हाँ ठीक है सर। सब यहीं पर रुको,
बहुत बड़ी शक्ति है। हाँ बहुत बड़ी शक्ति है ये। वो देखो वहां पेड़ पर है। इस घर में घुसने के लिए उसे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो फिर इसका समाधान क्या है स्वामी जी? मैं यज्ञ करूंगा, इस शक्ति का अंत करूंगा। पूजा करने से पहले नियम का पालन करना होगा। ईशान कोण की दिशा में वजन कम है। 500 किलो वजन वाले जिंदा जीव को उस कमरे में एक हफ्ते के लिए रख दीजिए। जिंदा जीव मतलब? उसे कहीं भी कमरे से बाहर जाने मत देना। वैसे उस कमरे में 10 लोगों को रख दीजिए। ये क्या कह रहे हैं आप? एक हफ्ते के लिए हम लोगों को कमरे में रहना है और वहाँ पर खाना पीना भी देंगे, मजदूरी भी देंगे? देंगे ना भाई, हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी हमको कोई एक रुपया निकाल कर भी नहीं देता है। आप तो महान हैं, आप जैसे महानुभाव के लिए एक हफ्ता तो क्या, जितना कहोगे उतना दिन रहेंगे। घर तो बहुत बड़ा है यार। अरे हाँ सर, क्या वहीं खड़े हो गए, अंदर चलो 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 चलो, यही घर है, चलो 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 चलो। सर मजदूरों को लेकर आ गए। अरे तो मेरे सामने लाकर इन्हें क्यों खड़ा किए हुए हो? सीधा ले जाकर ईशान कोण वाले कमरे में छोड़ो ना इन्हें। ठीक है ठीक है, चलो 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 कमरे में चलो, जाओ, इस कमरे में, इस कमरे में चलो चलो, एक एक करके। घर तो बहुत बड़ा है यार, पैसे हमें मिल जाए ना तो हम उस साहूकार के सारे कर्जे उतार देंगे, फिर हमारी जिंदगी के सारी मुश्किलें खत्म। ये लोग पैसे तो देंगे ना यार? अरे बड़े लोग है ना, दे देंगे, कहाँ जाएंगे। चल देखते हैं क्या होता है। देखो हाँ साहब, यही है तुम लोगों के रहने का कमरा। जी लगता है मालकिन आ गई है। अरे मालकिन नहीं होगी यार, तू सो जाना। आवाज तो आ रही है। अरे सुनना यार, आधी रात को ये आवाज कैसी है? बहुत अजीब लग रहा है यार, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस घर में भूत ऊत है? क्या कर रहा है यार, डरा रहा है? क्या है बे, डरा रहा है या फिर मजाक कर रहा है? अरे सुनना तू डर मत, लगता है मालकी नहीं होगी, सो जा ना। मुझसे मजाक करता है, सो जा। ओम नित्यानंदाय नमः, ओम नित्यानंदाय नमः, ओम। सुनना भाई, अब क्या है बे, ये इस टाइम पर क्यों आई है? अरे लगता है वो हमें देखने के लिए आई होगी भाई। एक काम करते हैं, तैयार हो जाते हैं जल्दी से, ठीक है?
एक बात बता, मालकिन तेरी है या मेरी? अरे तू पहले सोना, बाद में देखते हैं कि वो मेरी है या तेरी। ठीक है, समझ गया ना? वैसे कुछ भी हो, मजा आ रहा है। ठीक है ठीक है। अरे यार, मालकिन तो यहाँ से जा रही है। लगता है प्लेन में थकराई होगी ना, इसलिए जल्दी जा रही है। ऐसा क्या? ठीक है, सो जाते हैं। हाँ, सुबह मिलेगी। अभी सो जाते हैं, सो जा। आइए सर। सब कुछ टाइम टाइम पर हो रहा है ना? सब कुछ ठीक ठाक है मालिक। जिस दिन से आए हैं उस दिन से दिल में बहुत घबराहट हो रही है, बहुत डर लग रहा है। एक हफ्ता कब होगा यही इंतजार कर रहे हैं मालिक हम। सिर्फ इसे ही नहीं मालिक, हम सबको ही ऐसा लग रहा है। ज्यादा दिन की बात नहीं है, सिर्फ कुछ ही दिन की बात और है, उसके बाद आप सब यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है ना मालिक? ठीक है ठीक है। खा लो खा लो खा लो। के हिसाब से ईशान कोण में 10 लोग को जिंदा रखेंगे तो शक्ति कम होनी चाहिए, लेकिन ये शक्ति तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब मुझे देर नहीं करनी है, आज ही पूजा शुरू करनी है। Oh!
महाराज। सर उस कमरे में रहने वाले सबके सब मर गए सर। क्या? किसी को कानो कान खबर ना हो सारी की सारी डेड बॉडी हटा दी है सर। ये क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो इंसान भूतों को भगाने आया था अब खुद ही भूत बन गया है। ठीक है इसके बारे में जरा पुलिस वाले से बात करके रखना। मैं सब कुछ मैनेज करता हूँ सर, आप चुपचाप रहिए ना। अरे क्या चुपचाप से रहूं मैं, ऐसा हादसा हो गया और कह रहे हो चुप रहो। ठीक है जाओ यहाँ से और काम करो। ओके। ये क्या जी, हम लोग चैन से सो रहे थे और ये क्या हो गया? भगवान ही कैसे खेल खेल रहा है जी। तुम्हें क्या परेशानी है, मैं हूँ ना, और डरा रही हो मुझे। ए राजू कहाँ मर गया ये, जरा माचिस लेकर आ। तांत्रिक आखिर कैसे मर गया कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। आजकल दिमाग मेरा काम नहीं करता, दिमाग तो और ज्यादा कंफ्यूज होते जा रहा है। अरे सुन रही हो? चलो चलते हैं, जरा देख कर आते हैं उस कमरे में क्या हुआ है। मैं नहीं आऊंगी, मुझे डर लग रहा है। अरे ये क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो, इसी घर में हमें पूरी जिंदगी बितानी है, रोज ऐसे ही डरते रहेंगे तो काम कैसे चलेगा। आप कुछ भी कहिए मैं तो नहीं आने वाली। कह रहा हूँ चलो ना। नहीं आऊंगी। अरे आओ ना, चलो मेरे साथ आओ, आओ उठो चलो। मुझे छोड़िए। अरे डर क्यों रही हो, नहीं, मुझे डर कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना साथ तुम्हारे, मैं तुम्हारा हाथ पकड़े हुए हूँ, कुछ नहीं होगा आओ। अरे देखा अंदर कोई भी नहीं है, पता नहीं क्या सोचकर खुद डर रही हो और मुझे भी डरा रही हो। ए जी आपको ऑफिस जाना जरूरी है क्या? जाना ही पड़ेगा, रात में जो हुआ है उसे मैनेज करना है ना। ऐसा नहीं है जी। एक्सक्यूज मी सर। अरे तुम आओ आओ आ जाओ। तुम्हारे साथ रहने के लिए मैंने इसे बुलाया है। मैं अभी ऑफिस में। आप बेफिक्र जाइए, मैं मैडम के साथ रहूंगी। थैंक यू, डरना मत, ये लड़की तुम्हारे साथ ही रहेगी। ठीक है, रात में यहाँ पूजा की थी तो अब तो सब ठीक हो गया होगा ना? ठीक तो नहीं हुआ बेटी, पर तुम आ गई हो ना, अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। मोहिनी हूँ मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगी, कोई नहीं बचेगा, मैं अपना बदला लूंगी, सबको मार दूंगी, कोई नहीं बचेगा।
मैडम, मैं यहीं पास में रहती हूँ। घर जा रही थी तो स्कूटी का टायर पंचर हो गया। बहुत बारिश भी हो रही है तो कुछ देर यहाँ। अंदर आओ बेटी। थैंक यू मैडम। आ जाओ। रुको, टॉवल लेकर आती हूँ, बीमार पड़ जाओगी। नहीं नहीं, अरे अरे कोई बात नहीं, लाती हूँ। कहाँ चली गई ये लड़की? बेटी, बेटी कहाँ चली गई है? सुनो। हुँ? अभी तुम्हें इतना सडनली शिफ्ट होना जरूरी है क्या? मैडम ने पूछा तो मैं मना नहीं कर पाई। क्यों, डर गई क्या? मैं नहीं डरती। क्या? अच्छा छोड़ो ना। अरे लेकिन मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ? अभी तो हमारा प्यार शुरू हुआ है, और वैसे भी तुम यहाँ अकेली रहती हो, तो मैंने सोचा कभी कभी मैं आकर तुम्हारे साथ कॉमेडी करूँगा, क्या कहती हो तुम? कर सकते हो। हाँ। रेडी? वैसे क्या कॉमेडी करोगे? तुम्हें नहीं पता? इसे कॉमेडी कहते हैं, इसे कॉमेडी कहते हैं। अब समझी? छोड़ दूँ? क्यों, अच्छा नहीं लगा? अच्छा नहीं है? हाँ अच्छा है ना? अब बस करो, बहुत हो गया। ओके संजू, ऑल द बेस्ट। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो फोन करना। ओके बाय, टेक केयर। नमस्ते मैडम जी, लाइए दीजिए, हमें दीजिए। हाँ आइए ना, आइए। नमस्ते मैडम। नमस्ते बेटी। राजू इन्हें ऊपर के कमरे में लेकर जाओ। ठीक है मैडम, जाओ। आइए आइए जाओ। डोर तो लॉक्ड है, फिर कौन हो सकता है? कौन आ सकता है यहाँ? हमारी जिंदगी में हमें थोड़े से तड़के की जरूरत होती है ताकि लाइफ में आ सके चटपटापन। तो अभी आपको सुनवा रहा हूँ एक तड़कता भड़कता गाना। ए भूतनी के जिंदगी का मसाला सॉन्ग से आखिर क्या वास्ता? चुपचाप गाना सुना, फालतू की बकवास करके सर क्यों खा रहा है मेरा? कितना फालतू बोलता है ये आदमी। तो कोई दर्द से भरा गाना सुनवाओ ना यार। अरे आधी रात को बंगले में कहां से रोमांस आएगा यार, गाने के नाम पर भी मजाक करते हो। थू, रात में कोई दर्द वाला गाना सुनने का मेरे को।
संजना? हाँ मैडम, आ रही हूँ। यस मैडम। क्या हुआ बेटी? अभी आपने मुझे बुलाया ना? मैंने? हाँ। मैंने तो नहीं बुलाया। नहीं बुलाया, पर मुझे तो ऐसा लगा। किसी को नहीं। अरे तुम चुप रहो ना। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। क्या हो रहा है ये? चलो देखते हैं। नहीं जी, मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं आऊंगी। यही मरो, मैं देखता हूँ। संजना? हाँ? चलो। सोच रहा हूं मैं भी। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ जी? कुछ नहीं, कुछ नहीं। बस ऐसे ही चिल्लाया था। संजना! तुमने बोला? संजना! संजना, 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 संजना। क्या आग इस कमरे से उस कमरे में गया? हाँ। चुप करो। संजना, संजना, संजना। बिल्कुल ऐसी ही आवाज। अरे इससे भी बढ़िया। सच में बेटा? क्या आप भी? सुनने वाला होगा तो हरी कथा दास जी अंग्रेजी में बोलने के जैसा है। अब बस करो, तुम्हें यहाँ मजाक करने के लिए नहीं बुलाया है, हेल्प करने के लिए बुलाया था। ऐसा नहीं है संजू, ये एक तरह का बीमारी है जिसे मास हिस्टीरिया कहते हैं। लोटा हिस्ट्री नहीं कहते क्या? आप भी क्या अंकल रेड्डी जी, बी ब्रेव। बी ब्रेव, अगर रात में रहते ना तो पता चलता तुम्हें। इसके लिए तो दो ही सोल्यूशन हैं। तुम तीनों को साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाना पड़ेगा, नहीं तो मुझे यहाँ रहकर ये बताना होगा कि ये भूत भूत कुछ नहीं होता है। ऑप्शन टू, तुम भी यहीं रुको। तुम कह रही हो तो मैं यहाँ क्यों नहीं रहूंगा। आप भी एक अच्छा गाना सुनो तो ठीक है। अपना जना भैया सबको मेरा नमस्कार। बेवड़े के मुंह से सब कुछ सच निकल जाता है, सच निकल जा। लगता है मैं कुछ भूल गया हूँ। क्या भूल गया हूँ? याद आ गया, आप ही को अर्जेंट पेशाब करनी है, लेकिन कहाँ करूँ? यहाँ करता हूँ। मजा आ गया। पेशाब करना दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। तना मना तना मना, मेरा दिल तना मना। अरे बाप रे, मेरी तो सटक गई।
यू इडियट, रुको, ए, अभी बताती हूँ, रुको, जा कर रहे हो, तुम्हारी तो, आओ आओ, आज ही छोड़ूंगी तुम्हें, आजा आजा, रुको, रुको, आजा आजा, भूत हूँ मैं, अभी बताती हूँ, क्या समझते हो खुद को, रुको, रुक जाओ, ए, रुको ना, छोड़ो, जाने दो मुझे। ओए, ओए, कहाँ जा रही हो? अंदर जा रही हूँ। अरे क्यों जाना है? यहाँ बैठो। लेकिन क्यों? अरे बैठो यार। ओके। हे, यू नो, यू आर सो क्यूट। एक पप्पी दो ना। बिल्कुल भी नहीं। हे संजू, प्लीज प्लीज बेबी, एक पप्पी। मैडम तो फटाक करके चादर ओढ़कर सो गई, डर गई थी क्या? तो डरेंगे नहीं क्या? अरे उसे ही भूत कहते हैं लोग। आंखें खोलकर वहाँ क्या हो रहा है अगर देख लेती तो आपको पता चलता था। हाँ पता चलता ना। आज का दिन अगर शांति से निकल गया है ना तो तुम भाषण दे रहे हो, दो दिन और रहो तो पता चलेगा। दो तीन दिन क्या, मैं तो यहाँ एक हफ्ता रहने के लिए तैयार हूँ। आज हम लोग एक खास पार्टी देने वाले हैं, तुम अकेले रह सकते हो? भूत है यहाँ, ऐसा मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो ना? देखते हैं। दिखाता हूँ मैं, आप लोग जाकर आओ। हे हाय, क्या कर रहे थे यहाँ? भूत आया था, उसके साथ मीटिंग में बैठा था। क्या? कुछ नहीं संजू, तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था। अरे कहाँ हो पुलिस वाले? चलो। सर, हाँ तो पार्टी कैसी हुई महालक्ष्मी मैडम जी? हाँ बहुत अच्छी हुई। यहाँ सच में कोई भूत है ऐसा जानबूझकर मुझे डरा रहे थे ना? अरे वो हे hey, कौन हो तुम? मैं राजू की बहन हूँ साहब। ओ ये सब ठीक करके जाओ। हाँ अरे कोई नहीं है, अपने राजू की बहन है, सामान नीचे गिरा है उसे उठा रही है वो। क्या फालतू में डराते हो? क्या कह रहे हो, राजू और उसकी बहन? हाँ। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? उसका दुनिया में कोई नहीं है, वो एकदम अकेली अनाथ है। देखिए मैं पुलिस वाला हूँ, कुछ तो इज्जत से बात कीजिए। मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? यकीन नहीं होता तो चलिए देख लीजिए। ठीक है चलो। चलिए आइए, आप तो ऐसे बात कर रहे जैसे कि मैं झूठ बोलता हूँ। देख लीजिए सामने। देखना क्या है, नीचे गिरे हुए सामान के अलावा और कौन है यहाँ? अरे नहीं, मैंने सच में उस लड़की को भी देखा है। क्या देखा है तुमने? समझ गया, तुम में ड्यूटी कम सेंटीमेंट ज्यादा है, इसीलिए तुम मेंटल भी हो चुके हो। अर्जेंटली किसी डॉक्टर को जाकर दिखाओ। और तुम क्या कर रही हो यहाँ पर पड़े हुए बर्तन गिन रही हो क्या? चलो यहाँ से। पता नहीं इस लड़के को पुलिस की नौकरी कैसे मिल गई, लगता है कोई पागल ही रहा होगा जिसने नौकरी दी। संजू, अभी इस मोटे ने क्या बोला? जो भी कहा सही कहा। कमाल है, मैं एक पुलिस वाला हूँ या फिर इस घर का नौकर, हद हो गई। अभी तो यही थी, इतने कहाँ गई, कहाँ चली गई? कुछ तो गड़बड़ है, देखना पड़ेगा। नीचे से देखा तो साड़ी ऊपर जाते हुए दिखाई दे रही थी, यहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं है। मुझे तो ये सब कुछ रामगोपाल वर्मा की फिल्म जैसी लग रही है। ए राजेंद्र प्रसाद, ये सब मिलके तुझे रामगोपाल वर्मा की फिल्म दिखा रहे हैं? मैं पुलिस वाला हूँ, शायद ये लोग भूल गए हैं। ओके ठीक है अंजलि,
टीवी देखने के बजाय थोड़ा पढ़ लिया करो, तुम्हारे मार्क्स ना बहुत अच्छे आएंगे। क्या पिताजी, ठीक से टीवी भी नहीं देखने देते, ये परीक्षा भी ऐसी टाइम पे आती है। अच्छा जाती हूँ। ये सब जरूरी था क्या? बहुत जल्द तुम दोनों की शादी होने वाली है, ये तुम क्यों कर रहे हो? पहले तुम दोनों उस घर से बाहर निकलो। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, आरती के पागलपन के अलावा सब कुछ ठीक है, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, यहाँ सब लोग हैप्पी हैं, ओके? ठीक है, अपना ख्याल रखना। क्या हैप्पी क्या पता, इसकी शादी होने तक टेंशन पालना ही पड़ेगा। साड़ी ऊपर कैसे गए, यहाँ क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और रात को मैंने जिस लड़की से बात की वो कहाँ गई? कुछ तो हो रहा है जो मैं मिस कर रहा हूँ। वहां दिखाई दी हुई साड़ी यहां गिरी हुई है, ये तो ठीक है, पर किचन में जिस लड़की से बात की वो कहां गई? क्या कंफ्यूजन है ये? अरे क्या हो रहा है भाई, खाना खाने के समय ऐसे सोच क्या रहे हो? कुछ भी सोचो मत, पहले खाना खाओ। समझ नहीं आ रहा वो लड़की कौन होगी। आरती प्लीज स्टॉप इट, खाते वक्त वो सब बात मत करो। वैसा नहीं संजू, बस करो, अभी कुछ मत बोलो, पहले खाना खा लो। एक बात बताओ अंकल रेड्डी, आपको क्या लगता है? अरे ये क्या है, जब देखो तुम लोग उसी टॉपिक पे बात करते रहते हो। अरे अपना टॉपिक ही वही है अभी। अरे अभी जिंदगी का वही टॉपिक रह गया है क्या? उसके अलावा भी और भी तो टॉपिक है। रेड्डी जी आपको आवाज सुनाई दी थी ना, मगर वहां पर कोई भी नहीं है, अब इसे क्या कहेंगे आप? संजना! हाँ। हाँ। संजना! हाँ। हाँ। आज नहीं छोड़ूंगा इसे। अंकल रेड्डी वो ऊपर से चिल्ला रही है, आप जल्दी ऊपर आओ। ये क्या है, ऐसा लग रहा है कोई मेरा पीछा कर रहा है, सच में भूत है क्या? वो यहां भी नहीं है, शायद वो छत पर होगी, आप लोग यहीं रुको, मैं जाकर देख कर आता हूं। ठीक है, संभाल कर जाना। सर जरा संभाल कर। सर क्या हुआ, सर कुछ बोलिए।
एसआई साहब नीचे गिर गए, जल्दी चलिए आइए सर। सर देखिए क्या हुआ, संजना तुम बॉडी के साथ जाओ, तुम मेरे साथ चलो। बहुत अच्छा था सर, बेचारा अनाथ था, उसके आगे पीछे कोई नहीं था। डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है और रिवॉर्ड भी है, सर्विस में बहुत अच्छा आगे बढ़ने वाला है ऐसा सोचा था, लेकिन ये एक्सीडेंट डेथ है, आप क्या कर सकते हैं। जी सर, आप दुखी मत होइए, हमारे साथ काम करने वाला था, ईमानदार था और फ्रेंडली था सर, पर एक्सीडेंट डेथ है, आप क्या कर सकते हैं। लेकिन अभी कौन क्या कर सकता है सर। आप कुछ मत कीजिए सर। हाँ? आप क्या करेंगे वो बताइए। हाँ जी, लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं सर। अरे आप जो सोच रहे हैं वो नहीं। हाँ? आप क्या करने वाले हैं वो बताइए। लेकिन सर अभी हम क्या कर सकते हैं बताइए तो। आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ? तो ठीक है, मैं अपना काम करूंगा। थैंक्स सर। आपने ऊपर से उसे धक्का दिया है, केस बनाकर आपको जेल में भेज दूंगा। सर, सर कहाँ जा रहे हैं। हमारे साथ रहता था, हमारा भला चाहता था, वो कमिश्नर बनने वाला था सर, आप लोगों ने ऊपर से धक्का दिया और वो मर गया सर। ये क्या ऐसा सर? ही है सर। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे से समझ गए, सूटकेस लेकर के आ गए। सर वो बहुत अच्छा था, हमारा भला चाहता था, कमिश्नर बनना चाहता था, बेचारा ऊपर चढ़ते चढ़ते पैर फिसल कर नीचे गिरा और मर गया। आप इसके अलावा और क्या कर सकते हैं। चलता हूँ जी, जी चलता हूँ। साथ में रहने वाला था, हमारा भला चाहने वाला था, कमिश्नर बनने वाला था, बेचारा भगवान को प्यारा हो गया। इस हाल में अकेले रहना अच्छा नहीं है, तुम हमारे साथ चलो, माँ ने भी तुम्हें साथ लाने को कहा है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आरपी से मेरा परिचय, हम दोनों के बीच में प्यार, और अब ये सब, मेरा मर जाने का मन हो रहा है। मुझे उसकी यादें सताती रहती है, वो हमेशा मुझे हंसाते रहता था, और अब देखो कैसे मुझे हमेशा रोने के लिए छोड़कर चला गया। चुप हो जाओ दीदी, हम सब है ना, तुम रोगे तो मुझे भी रोना आ जाएगा। उसके बिना मेरी जिंदगी कुछ नहीं है, शादी करके हम दोनों खुशी खुशी रहना चाहते थे, ये सब कैसे हो गया। जी, संजना को देखकर बहुत दुख हो रहा है, बेकार में हमने उसे हमारे प्रॉब्लम में फंसा दिया। सच कह रही हो, अगर हम इस लड़की को यहाँ नहीं लाते तो आरपी यहाँ पर नहीं आता, और फिर ऐसी हालत ना होती, उसका नसीब ही ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं। क्या हुआ, तुम ऐसे क्या देख रही हो। राजू, ए राजू। हाँ? आया मालकिन। हाँ बोलिए। राजू, उस फोटो में वो लड़की कौन है। मेरी बहन है। तुम्हारी बहन। जी मालकिन, जब ये घर बन रहा था तब उसके सर पे पत्थर लग गया और उसकी मौत हो गई। नहीं नहीं, कुछ दिन पहले ही मैंने इसे देखा है। आपने इसे देखा है, पर ये कैसे हो सकता है मालकिन। नहीं, मैंने देखा है। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, उसकी एक छोटी सी फोटो को मैंने बड़ा करके दीवार पर लगाया है।
भगवान, क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हें? अरे बोलो ना, क्या हुआ? ये लीजिए, कुछ दिनों तक दवा दे दीजिए, ठीक हो जाएगा। क्या हो गया था तुम्हें? पूजा के दूसरे दिन बारिश हुई थी, याद है आपको? आप सोए हुए थे, दरवाजे की आवाज सुनकर मैंने जाकर दरवाजा खोला। बारिश में भीगते हुए एक लड़की उस रात हमारे दरवाजे पर आई थी। वो लड़की और उस फोटो की लड़की एक ही है जी। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? कब हमारा घर बना है और उस समय मरी हुई लड़की तुम्हें आज दिखाई दे रही है? नहीं जी, मैंने उस लड़की से बात भी की थी, मेरा यकीन कीजिए। ठीक है ठीक है, ज्यादा सोचो मत, अभी सो जाओ, सुबह बात करते हैं, ठीक है? क्या हुआ भाग्यवान, इस तरह चिल्ला क्यों रही हो? वो लड़की यहीं पर है जी, वो मुझे मारने आ रही है, ये देखिए इधर ही है। अरे वो कोई नहीं है वहाँ। मेरा यकीन कीजिए, क्या है, सिर्फ फोटो ही तो है, वो यही है। क्या हुआ? राजू की बहन है। इस घर में माँ शक्ति है मालिक। हाँ। आवाज तो सुनाई दे रही है लेकिन कोई दिख नहीं रहा। बीवी भी ऐसा ही कुछ कह रही है। आजकल सपने भी उल्टे पुल्टे आ रहे हैं।
वो आदिवासी भी मुझे डरा कर ही गया है। अब तो कुछ सोचना पड़ेगा इसके बारे में। सर आपने बुलाया? हाँ बुलाया ना। देखो हाँ। कुछ दिन पहले एक आदिवासी मेरे घर में पता नहीं क्या बकते हुए घुस आया था। कह रहा था इस घर में कोई महाशक्ति है, सावधान रहने की चेतावनी देकर गया था। अभी मुझे उससे मिलना है। उतना बड़ा तांत्रिक खून की उल्टी करके मर गया तो मुझसे क्या होगा मालिक? अब भगवान को बुलाने तक इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा कहोगे तो कैसे चलेगा? कुछ तो मदद करो भाई। कह रहा हूँ ना मालिक, मैं तो ताबीज बांध कर सांप और बिच्छू की दवा देने वाला हूँ ना मालिक। फिर भी मालिक, उस तांत्रिक ने मरते समय कुछ तो बताया होगा, तभी मरा होगा ना। उन्होंने कुछ तो लिखा था। क्या लिखा था? हाँ, वास्ता करके लिखा। वास्ता नहीं होगा, विस्ता होगा। लेकिन मालिक वो नाम लिखा है तो मैं समझ सकता हूँ वो बात कितनी दूर तक गई है। मालिक आपको तुरंत अनंतानंद स्वामी से जाकर मिलना होगा। अनंतानंद स्वामी? ये कौन है? कहाँ रहते हैं? कैसे जाना है उनके पास? मालिक उड़ीसा में रायगढ़ से 10 किलोमीटर तक अंधेरे जंगल में पैदल जाना पड़ता है मालिक। वहाँ तो बहुत अजीब अजीब लोग रहते हैं मालिक। दिन में वो लोग सोते हैं और रात को जागते रहते हैं। हाँ मालिक, वहाँ के बच्चे लोग भी जमीन में सर घुसाकर पैर ऊपर करके तपस्या करते हैं मालिक। ए ऊपर वाले, मैं तो छोटी छोटी दवा देने वाला हूँ, अगर मैं आप लोगों के साथ जाऊँगा तो मुझे भी मरना होगा मालिक। इसीलिए कह रहा हूँ आप कैसे भी करके वहाँ चले जाइए, हमारे भगवान का आशीर्वाद आप लोगों पर हमेशा बना रहेगा। ठीक है ठीक है भाई, जाइए। पूजा के बाद ही पढ़ना। आइए स्वामी जी। मैं नहीं जाऊंगी।
को नहीं छोड़ोगे, सबको मार डालोगे, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। आ रही हूं मैं, सबको मार डालो। एजी, इस घर में कोई बड़ी शक्ति है। पूजा होने के बाद पढ़ना। ये स्वामी जी की दी हुई चिट्ठी है, पढ़ो इसे, तुम्हें समझ में आ जाएगा। एक महाशक्ति का सामना करने जा रहा हूँ। ऐसी शक्ति का सामना करने का मौका मुझे मिलेगा ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। ये मेरी मंत्र शक्ति की परीक्षा है। कुंडली के हिसाब से मेरी आयु 110 साल है। अभी मेरी उम्र 76 साल की है। अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो मेरी जिंदगी यहीं पे खत्म हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मुझे अपने प्राण देने पड़े तो इस घर से उस शक्ति को निकालना और किसी से नहीं होगा। अब तो सिर्फ एक ही उपाय है और वो उपाय है इस घर को गिराकर 20 फीट का गड्ढा खोदकर 50 साल के लिए वैसे ही छोड़ दो, तब इस शक्ति का अंत होगा। पर आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए? इस भूतिया प्रॉपर्टी को हम लोग रखेंगे ही क्यों, इसीलिए बेचने आया हूँ। पर जो खरीदेगा उसका क्या होगा सर? अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? जो खरीदे ये उसका सरदर्द है। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। चलो आओ। फॉर अ चेंज कुछ दिनों के लिए मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ सर। ओके, जाकर लौट आओ, तुम्हें भी थोड़ा आराम मिलेगा। थैंक यू सर। ठीक है। रुको, पीछे लो। और पीछे। सर, कुली चाहिए क्या? हाँ? क्या हो गया तुझे? चुप क्यों हो गया? अरे कहाँ भागोगे मुझसे? मुझे धोखा दे रहे हो तुम लोग। बताओ उनको, चल बताओ उनको, सब कुछ बताओ ना, अभी के अभी बता, बोल। मालिक, आप हमें चाहे मार डालिए, हमें कुछ नहीं पता। मालिक, मैं अपनी कसम खाकर कह रहा हूँ, पूजा के एक दिन पहले आपके मैनेजर ने कहा था कि हमें कुली चाहिए। उठो। नमस्कार साहब। चलो उठो जल्दी, मैनेजर साहब आए हैं। इतनी रात को मिलने आए, क्या बात है? कल तुम लोगों को जब इस घर में पूजा हो रही होगी तो खून की उल्टी करनी है सबको और मरने का नाटक करना है। 20,000 रुपए दूंगा सबको, ठीक है?
बैठे बैठे 20,000 मिल रहे थे तो कौन छोड़ता साहब, इसीलिए हमने वैसा किया। आपके मैनेजर साहब ने हमको दिया था, लेकिन कोई बकवास कहानी सुनाकर आपके वॉचमैन ने हमसे सारा पैसा लूट लिया और हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। असली कहानी क्या है? मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे सिर्फ एक ही बात याद है। जानते हैं रेड्डी साहब, मेरे बेटे की मौत, ऑपरेशन में 3,00,000 का खर्च आएगा, ऐसा कहा था डॉक्टर ने। मैंने आपका पैर भी पकड़ा था, तब आपने क्या कहा था? कुछ लोग मरने के लिए ही पैदा होते हैं, याद है आपको? मुझे सिर्फ वही बात याद है। मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया, चला गया मुझे छोड़कर। ये मेलोड्रामा बंद कर और सच क्या है ये बता। कोई आया था मेरे पास, बोला मेरा कहा करोगे तो जितने मांगोगा पैसे दूंगा। मेरे मन में गुस्सा था, मुझे मौका भी मिल गया, पैसे उन्होंने भी दिया और आपने भी दिया। क्या करना चाहता था? मुझे नहीं पता, काम उनका भी हो गया और मेरा भी हो गया। कितना दिया उन्होंने? सिर्फ मजदूरों के पीछे 18,00,000 खर्च किया है तो सोचिए मुझे कितना दिया होगा उस आदमी ने। चलता हूं मैं। यानी मौत किसी की नहीं हुई? हाँ बोलिए। उस दिन जो एसआई आरपी आया था वो मर गया है क्या? ये क्या सर, मैं कब मर गया हूँ? मैं तो आपके सामने बैठा हूँ, मैं ही एसआई हूँ, देखिए ना। क्या बात कर रहे हैं, आप तो उस दिन सीआई थे। मुझे तो वैसे ही प्रमोशन मिलने वाला था सर, मैंने तो सिर्फ एक्टिंग की थी, कैसा लगा? तो फिर वो कहाँ है? हमें तो बस इतना याद रहता है कि कितना आया कितना गया। आपने सूटकेस में दिया था ना? हाँ वो तो याद है, सूटकेस में दिया था ना आपने। तो सब मिलकर मुझे बना रहे हैं सर। शेर का भी 1/4 होता है सर, सब कुछ खत्म हो गया है, आप जा सकते हैं प्लीज। ठीक है। हेलो, मेरी बहन की मौत इसी पत्थर के लगने से हुई थी मालिक, यही वो पत्थर है। अंकल रेड्डी, शौक लगा क्या? आप खड़े क्यों हैं? बैठिए। थैंक यू सर। इस परिस्थिति से हमें बाहर करने वाला एक ही रास्ता है ना सर, वो ये घर ही है ना सर? ये घर नहीं है, मेरी माँ की यादें हैं और ये घर मेरी माँ की निशानी है। यहाँ रहने पर मेरी माँ बहुत याद आती है, मैं अपनी माँ को नहीं बेच सकता। मैं इस घर को बेचने के लिए नहीं कह रहा, सिर्फ गिरवी रखने के लिए कह रहा हूँ। गिरवी ही सही, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट अभी के अभी कौन देगा?
राव साहब, अब तो आप खुश हैं ना? बहुत बहुत धन्यवाद सर। सही समय पर मेरी मदद करके मेरा साथ दिया है आपने। आपके इस एहसान को कभी नहीं भूल सकता। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर हम भी इंसान हैं। मुसीबत में हम ही तो काम आएंगे। इंसान होने के बाद इंसानियत भी तो रहनी चाहिए। एक बात कहना चाहता हूँ, आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कीजिएगा, मैं उसे संभाल। थैंक यू। ठीक है ना जी। ये लीजिए, इसे संभालिए, घर में दे दीजिए, और ये पेपर जरा संभाल के रखना। ओके सर, सी यू। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते सर, यहाँ से यहाँ तक हमारी ही सीमा है, और उसके बाद। नमस्ते अंकल रेड्डी जी। हाँ नमस्ते। ये लीजिए आपको देने वाला पैसा, एक बार देख लीजिए। सर, किसी को मुसीबत में देखकर आगे पीछे सोचे बिना पैसे दे देते हैं, लेकिन लेते समय दिन और मुहूर्त देख करके लेते हैं, बुरा मत मानिएगा सर। अरे इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, बात यह है कि आज आपकी दी हुई लास्ट डेट है ना। मतलब आज अगर मुहूर्त निकल गया तो घर मेरा हो जाएगा, यही टेंशन है ना आपको? बिल्कुल। एक मिनट रुकिए, मैं बात करता हूँ। एक बार जरा अंदर आना। यस सर। घर जाकर सर का सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ। ओके सर। राव साहब, आप बुरा मत मानिएगा, ये मेरे सेंटीमेंट की बात है, कैश कल ही ले लेते हैं। आप अभी मेरे पीए के पास से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर सकते हैं। क्यों सर? आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं होगा, लेकिन मैं आप पे भरोसा करता हूँ, इसीलिए मैं इस बिजनेस में यहाँ तक पहुँचा। मुझे माफ कीजिएगा प्लीज। आपने मुझ पर भरोसा किया तो मुझे भी करना होगा ना। और हाँ, मैं कल ही पैसे देकर अपने सारे पेपर ले जाऊंगा सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टर राव। हाँ आइए अंकल रेड्डी जी। राव साहब, आपके और मेरे बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था, उस हिसाब से ये घर मेरा है। What do you mean? इसमें ना समझने वाली क्या बात है? ये तो धोखा है। देखिए, ये मेरा बिजनेस है, आप यहाँ से या तो इज्जत से जाएंगे या फिर आपको यहाँ से धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा। मतलब इनको जरा समझाओ तो। अरे चल, मेरे घर से तू मुझे बाहर निकालेगा? छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? अंकल रेडी, धोखा दे रहे हो तुम मुझे। राजा, अब इसे मैं क्या करूं, इसे भी लेकर जाओ। मिस्टर अंकल रेड्डी, तुमने मुझे धोखा देकर मेरे घर को अपना बना लिया है। इंसानियत तो नहीं है तुम में, कम से कम सेंटीमेंट की इज्जत करना तो सीख लो। हाँ, यही सीखने के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ। इस घर में मेरी माँ जानकी की यादें हैं, कभी ना कभी मैं इस घर को अपना बना ही लूंगा। हाँ, थैंक्स। अगर मेरा वक्त गिरा और इस घर को बेचने की परिस्थिति आई ना, तो लिस्ट में सबसे ऊपर तेरा नाम होगा। राहुकाल शुरू होने वाला है, मुझे घर के अंदर जाना है, जाओ यहाँ से। इसका मतलब ये सब कुछ तुम्हारा ही किया धरा है। घर पाना ही मेरा उद्देश्य था। प्लान पूरा लिखित का है। लिखित? यस, वो एक अनाथ है बट जीनियस है। गुड मॉर्निंग सर। MCA गोल्ड मेडलिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर दूसरे के पास कितने दिनों तक काम करेगा ये सोचकर फ्रेंड्स की मदद से उसने खुद ने अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की। उसके जैसे बहुत सारे अनाथ लोगों को उसने मौका दिया। वो सबके लिए जॉब होल्डर के जैसा नहीं है, वो लोग अपने ही लोग हैं ऐसा सोचता था। उन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो वो आगे रहता था। सब कुछ ठीक से चलते समय उसका एक प्रॉब्लम आया, उस कंपनी का आउटसोर्स गया, उस कंपनी को बंद करने का समय आ गया था। उसे कैसे भी बचाने का मौका ढूंढ रहा था, बहुत कोशिश की, फिर मेरे उद्देश्य को जानकर मुझसे आकर मिला। वो घर क्यों आपको पसंद है मैं जानता हूं सर। वो इस तरह से धोखा देंगे मैंने कभी नहीं सोचा। सर, जब तक धोखा खाने वाले बैठे हैं, धोखा देने वाले तो आते ही रहेंगे। अभी आप उसके बारे में सोचना छोड़िए सर, अब वो घर आपके पास कैसे आएगा ये सोचना है। उसमें कुछ भी करना है तो तुम्हें ही करना होगा, उस घर से मेरा रिश्ता बहुत बड़ा है। वो मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं देख लूंगा सर, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। क्या है? आप तो मेरी कंपनी के बारे में जानते ही हैं,
प्रॉब्लम की वजह से सारा प्रोजेक्ट रुक गया है। मेरे भरोसे पे कुछ लोग सड़क पर आ गए हैं, तो अगर आप मुझे मनी बैकअप देकर फाइनेंशियली हेल्प करेंगे तो मेरी कंपनी बच जाएगी। कैसी बातें कर रहे हो? तुम मेरे लिए इतना कर रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मुझसे ले लो। अरे नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। पहले आपका घर, फिर मेरी कंपनी। ठीक है अंकल रेड्डी, अब तेरी कहानी खत्म। अगर सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। किसे ढूंढ रहे हो? वॉचमैन को ढूंढ रहे हो क्या? उसने भी बहुत कमा लिया, अब वो यहाँ क्यों रहेगा? अच्छा ये बताओ, ये लिखित कौन है? आरपी के नाम से तेरे सामने ऐसा आया था ना, वही है। बी ब्रेव सर। जो हुआ सो हुआ, अब उसके बारे में सोचना छोड़िए। आप ज्यादा गुस्सा मत होइए। इसे हमेशा याद रखने के लिए ये कोई जादू वाला सीरियल है क्या? सबने साथ मिलकर जो हमारे साथ किया है, ये अगर बाहर वालों को पता चल गया ना तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? ए जी मेरी बात सुनिए, अब आप इस बारे में ज्यादा मत सोचिए। तुम सबको बहुत थैंक्स। इस कंपनी को बचाने के लिए तुम लोगों ने जो किया है, तुम्हारे उस एफर्ट को मैं कभी नहीं भूल सकता। थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट। इसमें हमने क्या किया बॉस? सारे कैरेक्टर आपने तो लिखे हैं स्क्रिप्ट में। नौकरी खो के हम सब सड़क पर ही तो आ गए थे, इस कंपनी को हम लोगों ने बचा लिया, इस बात से बहुत खुश है सर। यू आर जीनियस बॉस। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं कितना भी बड़ा प्लान बनाऊं उसका कोई फायदा नहीं है। उससे आगे बढ़ाने वाला आपके जैसा कैरेक्टर का मिलना भी इस प्लान का सक्सेस होता है। हमारा क्या है सर, हमारा जो कैरेक्टर था हमने किया, लेकिन आपका जो कैरेक्टर नहीं है उसके बाहर जाकर आप मैडम को लाइफ पार्टनर बना रहे हैं। आप ग्रेट ग्रेट है सर। इसमें एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर संजना का भी है। इस प्लान को सक्सेस करने के पीछे इसका भी बड़ा हाथ है। संजना को हमारी कंपनी की तरफ से स्पेशल थैंक्स। संजना यू डिड अ फैंटास्टिक जॉब, थैंक्स। बाय द वे आज के बाद यहाँ बॉय बॉस किसी में भेद नहीं है, सभी समान हैं। यहाँ सबके सब पार्टनर्स हैं। लेट्स एंजॉय द पार्टी। इस टाइम पर कौन बुला रहा है? Hey!